Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello and welcome to Infamous Five. आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है and I'm sorry for that. मगर ये कि और हमें कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी थी, लेकिन जब कल आई थिंक फॉर टू डेज़ ये जो एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है एक मूवी की अमेरिकन जिसका नाम डेजर्ट वॉरियर है और उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है. आज सुबह इत्तेफाक हुआ कि मैंने सोचा कि मैं देखूँ उस मूवी में क्या है यूट्यूब पर, और जब मैंने देखा तो वो इतनी डिसगस्टिंग थी कि हमने सोचा कि हम उसके ऊपर आज शो करें. ठीक है, आयशा ने भी आई थिंक सुबह ये मूवी देखी है और मैंने आई थिंक ओवर द वीकेंड प्रॉब्ली फ्राइडे नाइट आई थिंक माय डैड एक्चुअली शोड इट टू मी. ही सेड कि समवन हैड सेंट हिम द लिंक और मैंने आई थिंक 5 सेकंड देखी होगी, लिटरली 5 सेकंड्स ऑफ द मूवी. और उसके बाद वो उस लायक नहीं थी कि यू नो मैं उस पर जाके इतनी देखूँ भी कि इस मूवी में एक्चुअली हुआ क्या है, बिकॉज वो 5 सेकंड वर मोर देन इनफ फॉर मी. और ये देखने का जो पर्पस था एक्चुअली वो यही था कि किसी भी चीज़ पे कमेंट करने से पहले आपको एटलीस्ट पता हो कि हम क्या है, हम सस्पिशियस नहीं कहते, लेकिन यस ऑब्वियसली टू डू अ शो हमें अपने तौर पे रिसर्च करनी थी. अगर हम कंडेम भी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर लोगों ने सिर्फ एक वर्ड ऑफ माउथ से सुना है कि एक ऐसी मूवी बनी है जिसमें हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यू नो बेद भी की है उसमें, तो ज़रूरी है देखना, ज़रूर देखें जाके कि एक्चुअली हुआ क्या, ताकि फिर आपके पास ठोस चीज़ हो बात, ताकि आप दिल से उसको कंडेम करें और आपके पास एक्चुअल फैक्ट्स हो बोलने. एग्जैक्टली, मुझे भी इस कंट्रोवर्सी का बिल्कुल पता चला था और मैं 2-4 दिन से यही देख रहा था. फिर मेरा कोई इरादा भी नहीं था देखने का इस फिल्म को, क्योंकि आपको पता है कैसे इमोशंस अटैच्ड होते हैं, लेकिन इस शो के लिए फिर मैंने देखी वो, ताकि मुझे पता चले कि आखिर में हुआ क्या है. Exactly. तो फिर मैंने वो देखी और देखते वक्त ही समझ सकते हैं आप क्या बिल्कुल. तो फिर उसके बाद मैंने वो रोक दी और फिर मैंने बंद कर दी. मैंने कहा इतना काफी है, इतना चल जाएगा, इतना मुझे पता चल गया कि क्या हुआ है. फिर उसके बाद मैंने वो बंद कर दी. उस मूवी के बाद देखने के बाद मुझे रियलाइजेशन ये भी हुई कि ऐसा तो बहुत सारा कॉन्टेंट है उनकी तरफ से जो हम पे थ्रो किया जाता है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं नाम ले सकूँ, ब्रूस ऑलमाइटी जिसपे खुदा को उन्होंने दिखाया था, उनका एक कैरेक्टर बनाया था, और भी बहुत सी मूवीज है जिसमें दिखाते हैं. तो ये नहीं, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम. हाँ, इस टाइम दे वर वेरी हार्श एंड वेरी मतलब एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा हो गई थी उस चीज पे आके, लेकिन वो अपने कहीं ना कहीं मूवीज या कंटेंट में वो चीज दिखा रहे हैं. बिल्कुल दिखा रहे हैं, और सबलिमिनल मैसेजेस जा रहे हैं. आप सिर्फ मैं मूवी की नहीं बात करूंगी, इनफैक्ट मैंने आई थिंक पहले भी किसी शो में मेंशन किया था कि जो ये जितने हम अमेरिकन बीएच हॉलीवुड या जो अमेरिकन यूएस के गाने देख रहे हैं, यूके जो इनके इंग्लिश गाने, नॉट इवन दैट, अ लॉट ऑफ इंडियन और इफ आई कैन से यू नो हिंदी रिलेटेड सॉन्ग्स उसमें भी बहुत, आई नो आई एम मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बट उसमें बहुत सबलिमिनली आपको ऐसे मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं. बल्कि फैसल, हम लोग एक इंटरव्यू भी देख रहे थे उन खातून का जो जिन्होंने उसमें एक्ट किया है, दैट वाज वेरी फनी. हाँ, उस इंटरव्यू में वो ये बोल रही हैं कि बिकॉज मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई मूवी देखेगा, शी थॉट दिस वाज लाइक अ लो बजट मूवी, और वो कहती कि जब मुझसे ये डायलॉग्स प्रोवाइड जा रहे थे तो आई वाज लाइक कंप्लीटली अनएबल, दिस वाज रिलीजियस. आई मीन एक हद होती है नाइवीनेस की कि किस किस्म की कौम है कि वो कह रहे हैं कि मुझसे बुलवा रहे हैं कि मोहम्मद और ये और ऐसे ऐसे लोगों की शख्सियात करा रहे हैं. मुझे मुझे बाद में बताया कि ये चक्कर है, तो मैं इससे हैरान हो गई. सो आई मीन ये तो वो है कि ये लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में और बीइंग एन एक्ट्रेस व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच अ मूवी जिसको आपके ख्याल में कोई देखने वाला नहीं है. लो लेवल मूवी या बिट हाई लेवल मूवी जब आपको नरेट की जाती है तो आपको पूरी स्टोरी पूरा बताई जाती है, पूरी स्टोरी बोर्ड आपको समझाया जाता है कि ये कैरेक्टर है, इससे ये एसोसिएशन है, ये इमोशंस उसमें हमें दिखाने हैं, तो इट्स नॉट कि हमें कुछ नहीं. और बगैर रिलीज फ्रॉम साइन होते हैं कि आपसे ये चीजें करवाई जा रही हैं और उसके बाद फिर ये उंगली पकड़ के जो कराया और बड़ी ब्लंटली वो ये इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था और मैं जब गई हूँ मुझे ओवरनाइट उसका स्क्रिप्ट मिला है और फिर मैंने उसको पढ़ा है और फिर मैंने ये सोचा कि इस मूवी को शायद कोई नहीं देखेगा, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच अ मूवी जिसको कोई देखेगा ही नहीं आप. और मेरा जो पर्पज़ है आयशा वो ये है कि आप मूवी क्यों बनाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए. हाँ, तो आप क्या मूवी बना, उस मूवी बनाने का पर्पज़ क्या था
क्यों बनाई आपने वो मूवी, उसमें कोई एंटरटेनमेंट तो थी नहीं। नहीं एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये तो मेरे ख्याल से कोई पहला अटैक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम क्या रिएक्शन दें, हम बैठे रहें, हम ताली बजाएं, हम क्या करें? अगर हम प्रोटेस्ट ना करें, अगर लोग बाहर ना आए, तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है कि लोग क्या कर सकते हैं। डिसएग्रीमेंट है स्पेशली जो कल, बल्कि आज अगर ये शो हमारा रिलीज हो रहा है तो कल रात की बात है, इतवार की रात में जो ये प्रोटेस्ट हुआ था कराची में, जो यूएस एम्बेसी की तरफ प्रोटेस्ट की जो पूरे लोग गए थे, लेकिन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट वाज कॉज्ड, नाउ उसमें आप उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हैं, आप उनके लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपने अपने लोगों को मारा है, अपने लोगों को इंजर किया है। जो तीन पुलिस मैन थे जिनकी हालत तश्वीशनाक है, वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं यार। हाँ। वो तो उनका तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना प्रोटेस्ट ना करें। बनाने का आपने गाड़ियां जला दी, आपने लोगों के फायरिंग की है, कल डिफरेंट इलाकों में काफी हालात खराब हो गए थे। इवन अदरवाइज आप देखें बाहर मुल्कों में भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस। एग्जैक्टली। सो अगर प्रोटेस्ट हर जगह होता है, देखिए इट शुडंट बी वायलेंट। एग्जैक्टली ये पॉइंट है। मेक अ आप अपना कन्वे करो मैसेज, लेकिन एक अब आई एम वेरी सॉरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पे फिर लोग क्या कहेंगे, सी इस्लाम इज सो वायलेंट। मगर देखिए आप अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो तो ये है कि वो तो आपकी टेरिटरी में घुस के आपको मारते हैं। दे सेड के मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, अफगानिस्तान में वो कहते हैं कि जी वो लोग एक्सट्रीमिस्ट है, तालिबान घुस गए अफगानिस्तान में, उनको मार रहे हैं, कोई रोक रहा है उनको। फिर आपने कहा कि ये एक बेनिफिट और डाउट उन्होंने लिया कि शायद वो तालिबान पाकिस्तान में भी है और वो पाकिस्तानी तालिबान भी है। आप पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसकर उन लोगों को मार रहे हैं, हमारी और ठीक है उसमें हमारी भी, हमने उन्हें अलाउ किया है, उसमें फॉल्ट हमारा भी है, लेकिन अमेरिका की भी स्ट्रेटेजी ये रही है, एक बात है कि आपने उस बंदे को पकड़ा एंड देन आपने उसको एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने छोड़ दिया। लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं तो आप मुसलमानों को तो छोड़ते नहीं, आप तो कहते नहीं हम इन्हें खत्म कर देंगे। आपने अपनी एक पूरी फौज डेडिकेट कर दी है तालिबान के लिए, जो कि आप कह रहे हैं कि आप बहुत मतलब पीसफुल नेशन है, आप दुनिया में अम चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, तो कम से कम आपके जो भी वहाँ पे मुस्लिम सिटीजन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम सिटीजन हैं, आप एटलीस्ट उनको को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक्शन तो उस बंदे के खिलाफ ले सकते हैं। लेकिन बता मेरीन, आई एग्री विद कंप्लीटली विद व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन हमारे स्पेशली आई डोंट नो बाकी मुल्क, हमारे मुल्क में ऐसे इवेंट्स को पॉलिटिसाइज किया जाता है बहुत ज्यादा, इसमें आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्टिव हो जाती है। व्हाई डोंट वी एक्ट एज वन नेशन, एज अ मुस्लिम नेशन हम एक्ट करें ना, ये नहीं करें कि फला आप उस पार्टी को बिलोंग करती हैं या उस रिलीजियस पार्टी को बिलोंग करती हैं तो आप निकल के आगे प्रोटेस्ट करें। सब मुसलमान एक होके आके बैठे हैं ना, और ये नहीं कि मैं प्रोटेस्ट करने जा रही हूँ मैंने इसकी गाड़ी जला दी, भाई वो तो मुसलमान है, उसका क्या कसूर है इस मूवी में, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया बनाने के लिए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था आपको बताना। इसी तरह के प्रोटेस्ट से रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी, उसके अंदर ये नहीं था कि यूके में वो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें इस्लाम को पीसफुल रिलीजन दिखाना था, और ये कि हम कोई टेररिस्ट नहीं है, इस तरह के लोग नहीं है, तो उन्होंने यूके के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने 1,00,000 से ज्यादा कुरान की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की थी, ताकि वो लोग जो दूसरे लोग हैं वो पढ़ें और उनको पता चले कि हम कितने पीसफुल नेशन है, हम कोई वो नहीं है कि टेररिस्ट नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुरान डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि लोगों को ये पता चले। लेकिन एक मैं आपको चीज बता दूं कि अगर आप ये मूवी देखें तो इन्होंने कहीं भी यहाँ पे मुसलमानों को टेररिस्ट प्रूव नहीं किया। वो इनिशियली वो जो उन्होंने जो फनी एक्ट किए हैं दैट इज रियली रियली बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कोई राइट नहीं है। एग्जैक्टली। जनरली आई डोंट थिंक एनी रिलीजन शुड बी टारगेटेड, बी इट इस्लाम, बी इट क्रिश्चियनिटी, बी इट बुद्धिज्म। और आयशा मुझे तो याद नहीं आ रहा, शायद हो सकता है मेरी मेमोरी बहुत खराब है, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि किसी के ऊपर हम लोगों ने ऐसी कोई मूवी बनाई हो। नहीं, मुस्लिम्स नेवर डन इट इस्लाम में, क्योंकि हम भी आप अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट हम तो उनको भी मानते हैं। हमारे इस्लाम में तो ये है ना, यू लीड बाय एग्जांपल। एग्जैक्टली। तो आप इतना अच्छा करें कि जो आप जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो आपको देखकर they also come and get attracted to your religion. ये तो हमारा exactly. और इस्लाम को portray किया जा रहा है, and unfortunately yes in some part of the world हम उनको वो right proof कर रहे हैं कि हम बहुत violent religion है। ठीक है हम हैं, अगर चले वो हम हैं ठीक है, but who give you the right to do that? अगर एक बात है ना, हम आपको कोई right नहीं है कि आप उस चीज के लिए, ठीक है, अगर आप इस तरह से देखें तो जैसे सब कॉन्टिनेंट में
मुस्लिम्स के ऊपर बहुत जुल्म किया गया था पाकिस्तान बनने से पहले, बट उसको उसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुसलमानों को एक राइट दे दिया कि वो हिंदुओं के कोई मजहब से रिलेटेड कोई मूवी बना लें या उनके जो भी हैं मतलब वो उन जो भी फॉलो मतलब वो लोग अपने उनके जो भी बुत हैं या जो भी हैं उनके लाइक जिनको वो गॉड है उनके, तो आपको उन्होंने हमें ये राइट नहीं दे दिया कि हम लोग उनके उनके मजहब का कोई मतलब मजाक बनाए। मजाक का तो एलिमेंट आई थिंक आउट ऑफ मूवीज, एग्जैक्टली, ड्रामास, आउट ऑफ ह्यूमर, इसको अलग रखना चाहिए। वेरी पर्सनल, बिल्कुल, वेरी इमोशनल, तो वो इस सॉर्ट ऑफ के जो रिएक्शंस है ना बहुत इजीली इंस्टिगेट हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये जो मूवी जिस टाइम पे निकाली गई है आई थिंक इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज एज इट इज इस्लाम एज अ रिलीजन इज बीइंग अटैक्ड एट द मोमेंट। हमने कुछ अभी शोज भी किए थे पर्सपेक्टिव में जिसमें हमने आर्टिकल्स निकाले थे जो अमेरिका में यूके में इस्लाम को बहुत कंजर्वेटिव माना जाता है, विच इज वाई एन इस्लामिक मैन वॉज रिलीज के सेक्शुअल हरासमेंट के केस में उसको निकालते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव रिलीजन से वो आते हैं, वैसे उनको पनिशमेंट या पिनलाइज नहीं किया गया। इजिप्ट में कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑन द स्ट्रीट्स, तो आप देखिए ये इवेंट्स सारे रिलेटेड हैं। दिस इज अ मूवमेंट टू बेसिकली इस्लाम को नीचे दिखाने के लिए। हालांकि अगर आप देखिए आयशा तो इस्लाम के अंदर इन इन बीइंग अ रिलीजन इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं ठीक है उसको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी देखा है, उस चीज को ऑलरेडी अल्लाह ताला ने रखा है ठीक है। मतलब आपकी जो भी कोई एक बीइंग अ मैन आपकी जो भी एक रिक्वायरमेंट है अल्लाह ताला ने उसका एक डायरेक्ट वे भी बताया है कि ठीक है हाँ क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के साथ बनाई है इसको फुलफिल करने के लिए गो एंड गेट मैरिड एंड वट एवर दिस इज़ द राइट थिंग टू डू दैट। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अगर आपकी कोई कोई प्रॉब्लम है आपकी कोई भी मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करूँगी ना उसके ऊपर फिर वो बहुत कोई उल्टे सीधे कमेंट्स आ जाते हैं कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो गलत है लेकिन अल्लाह ताला ने उसको फुलफिल करने के लिए एक सही रास्ता बता दिया जो कि कंजर्वेशन नहीं है एक प्रॉपर डिफाइंड वे है। ऐसे नहीं कहा कि आप गधे घोड़े जानवरों की तरह जो चाहें सो करके रहो, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन इस्लाम और बी इट एनी अदर रिलीजन, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ठीक है हाउ टू लिव योर लाइफ। अब वो आप एज एन इंडिविजुअल उसको कितना फॉलो करते हैं उसमें आप रिलीजन को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज मेरे सामने अगर कुरान मैंने खोला है इट्स अ कंप्लीट गाइडलाइन, मुझे पता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों के साथ मेरा क्या बिहेवियर होना चाहिए, सोसाइटी व्हाटएवर, एग्जैक्टली वो उसको मैं किस तरह एग्जीक्यूट कर रही हूं वो मेरा अपना है। मुझे इस्लाम ने नहीं बोला कि तुम इस तरह करो या इस तरह करो इस तरह करो। देखिए ना यहां पे भी दो बातें हैं, देखिए इस्लाम एज अ रिलीजन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड ठीक है ना। एक तरफ ये है कि सब लोग इस्लाम की तरफ एक बहुत फैल रहा है और आ रहे हैं और आ इसलिए नहीं रहे कि हम कोई क्या वो टेररिस्ट है फला कि इस्लाम इतने इस्लाम नहीं करवा इतने राइट्स और हुकूक जितने इस्लाम डिफाइन करता है कोई रिलीजन दुनिया का नहीं करता ठीक है ना। वो साइड नहीं दिखा रहा है ना। हां अब मेरा दूसरा पॉइंट यही था कि चले हमने ये सब बात तो कर ली लेकिन हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड नाउ, सबसे जरूरी चीज तो ये है ठीक है ना। ये कोई पहला अटैक नहीं हुआ है इस्लाम के ऊपर, मैं अगर इससे पहले मैंने जो पर्सनली देखा या सुना एक साउथ पार्क की सीरीज आती है उसके अंदर भी उन्होंने यही कह रहा था कि आजम असलम को दिखाया था और जो प्रोटेस्ट आई थी उसके बाद दे हैड टू शूट अनदर एपिसोड उसमें उन्होंने दिखाया कि किसी तरह उन्होंने उसको स्टॉप करा है रोका है उसमें एंड में ये मैसेज दिया है किसी मजहब का मजाक ना उड़ाए ठीक है ना। अब ये है कि देखें यहाँ पे ये अटैक्स होते रहते हैं बिल्कुल होते रहते हैं ठीक है ना। और मेरे ख्याल से और हम लोग एज मुस्लिम एज ए नेशन ठीक है हमें थोड़ा सा एक एक्सट्रीम शायद थोड़ा सा बहुत एलिमेंट होगा एक्सट्रीमिज्म को तो नहीं कहूंगा लेकिन वी आर वेरी क्लोज टू रिलीजन ठीक है ना एंड वी रिस्पेक्ट आवर वैल्यूज वी रिस्पेक्ट आवर प्रॉफिट्स आवर बुक्स इमोशनल अबाउट इट ठीक है ना। तो ये शायद हम लोग से ये कंस्पिरेसी है कि आपस में लड़ाने की या उसकी करने की। मैं आपको बोल रही थी कि जो मैं अभी इवेंट्स देख रही हूं ना जिसमें इस्लाम को डिफ्रेम करने की कोशिश हो रही है। फिर ये वाली बात है कि जैसे दानियाल ने पॉइंट बताया कि उन्होंने यूके में कुरान बांटा ठीक है ना एजुकेशन एजुकेशन वी आर ट्राइंग टू एजुकेट द वेस्ट दैट कि भाई इस्लाम ऐसा नहीं है लेकिन उससे दूसरों का नुकसान मतलब अगर हम अगर यूएस एम्बेसी के आपके पास बाहर आपने करना है तो आप पुलिस वालों को क्यों मौका दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर शेलिंग करें और फायरिंग करें और आपको हटाएं। आप उनको बोले कि लिसन हम यहाँ पे आएंगे हम कोई बदतमीजी कोई जहालत नहीं करेंगे हम खड़े में हम साइलेंट प्रोटेस्ट करें दिस इज आवर वे ऑफ प्रोटेस्ट। अब ऑब्वियसली पुलिस आपके ऊपर क्यों शेलिंग करती है क्योंकि उनको पता है आपने आ गया कि मार धाड़ तोड़ फोड़ करनी है बिल्कुल आपने कल वहाँ पे उनका चेक पोस्ट जला दिया है वो कौन सा तरीका है प्रोटेस्ट करने का। ये देखिए प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं तो वीडियो अभी तक ब्लॉक भी नहीं हुआ। हाँ मैं हैरान हूँ कि ऐसे कंटेंट को यूएस का फिल्म बोर्ड आई थिंक होगा ऐसे तो कोई चीज नहीं आ जाती
बगैर उसके फिल्टरिंग के थ्रू यूट्यूब अभी भी उसको प्ले कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, यूएस के जितने के बोर्ड्स हैं जहाँ से मूवीज अप्रूव होकर आती हैं, हाउ कैन दे अप्रूव दिस कंटेंट? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही. इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, इट इज अ होल कंस्पिरेसी है, बहुत बड़ा अटैक करा गया है. और हम लोग, मुझे समझ नहीं, वही वाली बात है कि यहाँ हमें एज अ नेशन सोचना है कि हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड. आप देखे तालिबानाइजेशन को भी इस्लाम के साथ अटैच कर दिया, बोल दिया कि बहुत एक्सट्रीम है, बहुत वायलेंट है. उनको जो कॉन्स्पिरेसी जो इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो इन्हीं इवेंट से वो उसको और हाईलाइट कर रहे हैं. यू नो, बेसिकली आपको इस्लाम को गलत दिखाने की उनकी पूरी कोशिश जारी है. तो अगर ये एज वी एज अ मुस्लिम समझ जाए, और अगर हम जो आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इन यूके इज ब्रिलियंट. वो अपने सपोर्ट को दिखा रहे हैं ना कि भाई हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है. तो आपने जो मूवी में दिखाया वो बिल्कुल गलत है, और हम उसको प्रोटेस्ट, हम उसको कंडेम करते हैं. कंडेम करें, बिल्कुल करें. ये बेसिकली प्रॉब्लम इशू ऐसा है कि इसके ऊपर तो हम चुप बैठ ही नहीं सकते, लेकिन ये जरूर सोचे कि करना किस तरह है. दूसरों को नुकसान पहुंचाने से ये कंडेम, आई डोंट थिंक हमारे अपने रिलीजन में हमारा खुदा हमें इसकी एक्सेप्ट करेगा. तो हम ये भी सोचते हैं कि वो उस तरह प्रोटेस्ट करें जिससे हमारा खुदा भी खुश हो कि हाँ मेरे मुसलमानों ने कुछ किया. सबसे बड़ी बात है कि ये जो बेसिकली एक कंस्पिरेसी है, आइडियोलॉजी की, जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं. लोग चले गए, लोग चले गए हैं जो कि मतलब लोग अपने तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी है मतलब. ये जब मूवी का मुझे पता चला, मेरे एक दोस्त का कमेंट आया हुआ था, उसने सारे पॉलिटिशियंस को बोला था, इमरान खान, अल्ताफ हुसैन, नवाज, सबको कहा था कि तुम लोग हो किधर. एग्जैक्टली उसने मुझे वहां से पता चला कि यार कोई मूवी आई है, और उसने वहां लिखा था कि वे द हेल आर यू, आप किधर है, इतने बड़े बड़े नाम लाते हैं किधर है. और वो भी मेरे ख्याल से अभी तक कोई मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है. हमें बोलना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि हम इतने बढ़ गए, हम अपने अपने शेल्स के अंदर घुसे हुए हैं. हम वो देखते हैं कि जो चीज़ हमें इफेक्ट करी है, हम ये नहीं देखते एज अ मुस्लिम, क्योंकि मैं कहती ना वर मुस्लिम्स फर्स्ट एंड देन वी आर पाकिस्तानी. सो आई थिंक वी शुड लुक एट दैट फैक्टर आल्सो. इट इज, लेट्स नॉट, आई डोंट इवन वांट द पॉलिटिकल पार्टीज टू जंप इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज दिस. ये ऐसा मौका है कि हम पूरी कौम मुसलमानों की तरह एक साथ होकर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, कंडेम करें, लेकिन हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअली इफेक्ट करे, इम्पैक्ट करे. दूसरों को मारना, गोलियां चलाना, गाड़ियां जलाना, लोगों को, इनफैक्ट मैंने सुना है कल पुलिसमैन भी बेचारे उसमें इफेक्ट हुए थे. तो ये तरीका आई डोंट थिंक इज अप्रोप्रिएट. काम ऐसा करें कि वाकई में सिर्फ आप नहीं खुश हों, आपके खुदा भी आपसे खुश हों, लोग भी आपसे खुश हों, और लोग एक्चुअली अप्रिशिएट करें. मैं तो सीरियसली चाहती हूँ कि इस मूवी की यूट्यूब पे इतनी डिसलाइक्स हों कि जितनी आज तक कभी किसी वीडियो की ना हुई हो. इतनी डिसलाइक्स हों, इतनी डिसलाइक्स हों कि यूट्यूब के अंदर कोई रिकॉर्ड कायम हो जाए कि इतनी यार. एग्जैक्टली, दिस इज अ टाइम फॉर अस टू शो आवर पावर एज मुस्लिम्स. एग्जैक्टली, आपका क्या सोच है, आपका क्या तरीका है, आप अकॉर्डिंग टू यू, लेट्स लीव देम ऑन अ नोट कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेस्टिंग. और अपने फीडबैक कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा. हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं इस शो के ऊपर. एंड ऑन दिस नोट वी गोना एंड द शो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.